तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो किस तरह सन 2002 से लेके अभी तक 2022 तक इंडियन सड़कों पे किस तरह सर्वाइव कर रही है और कैसे राज कर रही है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस दबंग एसयूवी का क्या है इतिहास और किस किस मुसीबतों से यह गाड़ी आगे बढ़ी है, तो आज हम सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी अभी भी एक लोकप्रिय एसयूवी है जो कि सालों से बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए है। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में इंडियन मार्केट में लाया गया था और कंपनी की पहली एसयूवी थी और इसके बाद अब तक इसके कई फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में लॉन्च किया जा चुका है। ग्राहक अभी भी इस एसयूवी को इतनी लोकप्रियता और इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इस गाड़ी की सेलिंग हमेशा ही अच्छी रहती है। देश में पहले महिंद्रा सिर्फ वाहनों को असेंबल करती थी, लेकिन 1996 में कंपनी ने यह फैसला किया कि अब वह एसयूवी का निर्माण भी खुद करेगी। इसके बाद लगातार काम चलता रहा। इसके बाद पहली एसयूवी स्कॉर्पियो को 2002 में लॉन्च किया गया था। जब इसे इंडियन मार्केट में लाया गया तो इसके प्रतिस्पर्धा को पता नहीं कि बाजार में अब किस तरह का हलचल पैदा करने वाली थी स्कॉर्पियो। 20 जून 2022 को स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया था। इस एसयूवी में 2.6 लीटर टर्बो डीजल इंजन लगाया गया था जो 116 bhp का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इसके साथ ही इसमें 2 लीटर इंजन का विकल्प भी दिया गया था। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स व रियर व्हील ड्राइव साथ में आपको दिया गया था। इस एसयूवी में अब तक सिंगल डीन स्टीरियो स्ट्रोल व पावर विंडो दिया गया था। अब आती है दूसरी जनरेशन की फेसलिफ्ट के बारे में जो कि 2006 में आया था। इसका पहला फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो को नए अवतार में लाया गया था। इसके एक्सटीरियर इंटीरियर व इंजन सभी चीजों में काफी ज्यादा बदलाव भी किया गया था। इस कार के इंजन को अपडेट किया गया था। इसका नया एमहॉग डीजल इंजन अब 118 bhp का पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। इसी समय पहली बार बोनट पे सिग्नेचर हुड स्कूप भी दिया गया था जो कि इस गाड़ी के लुक में और भी ज्यादा चार चांद लगाती थी। इस कार में तब भी 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही ऑप्शन दिया जाता था, साथ ही रियर व्हील ड्राइव को भी रखा गया था। हालांकि इसके साथ स्कॉर्पियो को पहली बार ऑटोमोबाइल का भी विकल्प लाया गया था। इसमें 2 डीन स्टीरियो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्टीयरिंग एंड कंसोल बटन दिया गया था। साथ ही इसमें क्रूज कंट्रोल व ड्यूल एयरबैग्स भी आपको ऑफर किए जाते थे उस समय की फेसलिफ्ट में। तो बात करें अपने दूसरे जनरेशन के फेसलिफ्ट के बारे में, तो 2009 में इसके दूसरे जनरेशन के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया था। अब तक स्कॉर्पियो बाजार में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी दोस्तों। ऐसे में महिंद्रा ने इस एसयूवी को सिर्फ कुछ नए फीचर्स के साथ ही लॉन्च किया था। इस कार में नॉर्मल कॉस्मेटिक बदलाव ही किए गए थे। इस एसयूवी में नया हेडलाइट हाउसिंग, नया डिजाइन वाला हुड और हुड स्कूप दिया गया था और इससे भी यह गाड़ी अच्छी खासी पकड़ बनाए रखी और इसका सेलिंग भी अच्छा खासा बना रहा था। तो आते हैं अब अपने दूसरे फेसलिफ्ट यानी कि तीसरे फेसलिफ्ट के बारे में जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। अब तक भारतीय बाजार में एसयूवी के मॉडल अवतार में शुरू हो गई थी और इस वजह से स्कॉर्पियो को भी नए फीचर्स वह इंजन दिया गया था। इसमें 2.2 लीटर एमहॉक इंजन दिया गया था। यह इंजन 4000 आरपीएम पर 118 bhp का पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता। इसके साथ ही स्कॉर्पियो में अपडेटेड एक्सटीरियर के साथ 6 इंच का टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया था। इस एसयूवी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक पावर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कार्निक हेडलाइट व फॉलो होम हेडलैम्प दिया गया था। यह स्कॉर्पियो के लिए लॉन्च के बाद एक बड़ा अपडेट था। न कि एक्सटीरियर इंटीरियर व इंजन में अपडेट किया गया था, बल्कि नए डिजाइन वाले अपडेटेड और लेदर ऑन फ्रेम चेचिस का यूज भी इस गाड़ी में किया गया था। तो काफी ज्यादा बदलाव देखा जा रहा है स्कॉर्पियो में। तो बात करें अपने दूसरे फेसलिफ्ट के बारे में, तो इसकी 2017 में लाया गया इसका नया फेसलिफ्ट जो कि इस साल एसयूवी में अपडेटेड एमहॉक इंजन टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया था। अपडेट की वजह से इसमें 104
एचपी का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था यह गाड़ी। इसके साथ ही स्कॉर्पियो में 6 स्पीड का मैनुअल है। अब अपने नए स्कॉर्पियो के बारे में जो 2022 में आ रही है, तो इसमें आपको महिंद्रा में वर्तमान जनरेशन स्कॉर्पियो पर काफी ज्यादा काम चल रहा है और इसका टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। ग्राहकों में काफी ज्यादा उत्सुकता भी है इस गाड़ी को लेकर, जो कि बहुत जल्दी कमिंग सून में है। कंपनी ने अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर इसे तैयार किया है। साथ ही इसके डिजाइन व इंटीरियर में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। सबसे बड़ा अपडेटेड इसके फीचर्स में देखने को मिल सकता है। कंपनी इसे अब 2022 में लॉन्च कर रही है, जो कि बहुत जल्दी आपको सड़कों पर दौड़ते हुए दिखेगी। तो अगर आप यह गाड़ी को पसंद करते हैं या आप लेना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस एकदम बेस्ट में बेस्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।